अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। अच्छा जी, आज ईद का सेकंड डे है और जैसे आपको पता है कि सब लोग ईद के सेकंड डे जो है वो अपनी अम्मी के घर करते हैं, और जाहिर सी बात है पहला दिन जो होता है वो आपके ससुराल में गुजरता है और जो दूसरा दिन है वो आपका जो है वो अपनी अम्मी के घर गुजरता है। तो मैं अम्मी के घर गई थी तो बस ऐसे ही हम लोग बैठे थे तो सबका प्लान बन गया कि क्यों ना हम कहीं बाहर घूमने चले जाएं। घर में ईद करने से बेहतर है कि चलो थोड़ी हमारी आउटिंग भी हो जाएगी और हम थोड़ा बाहर भी घूम लेंगे। तो बस फिर हमने प्लान बनाया बाहर जाने का। तो बस फिर मैं भी, बच्चे भी और हम बहन भाई चले गए। अम्मी अबू नहीं गए थे, वो थके हुए थे और उनका कोई मूड नहीं बन रहा था। तो फिर हमने कहा चले आप रेस्ट कर लें, क्योंकि आपको पता है फिर आते आते बहुत ज़्यादा रात हो जाती है और फिर उनको रेस्ट भी करने की ज़रूरत होती है। तो बस फिर मैं, बच्चे और हम सब जो है वो रवाना हो गए। और वैसे भी घर में ईद करने से बेहतर है, बाहर चले जाए इससे तो आपका मूड भी चेंज हो जाता है और आप भी फ्रेश हो जाते हैं। तो यहाँ पे मज़े की मैं आपको बात बताऊँगी। हम लोगों ने बहुत अच्छी सी तैयारी की, नए नए ड्रेसेस पहने जो ईद के थे। तो हम जी KFC चले गए। हमने कहा कि हम वहाँ जाते हैं और वहाँ से कुछ खाते हैं। वहाँ पे इतना ज़्यादा रश था कि वो जो हमने तैयारी की हुई सब कुछ वो हम फिर अंदर ही बैठ गए गाड़ी में। हम बाहर नहीं निकले। यहाँ पे आप अचानक से देख रहे होंगे लाइट हो गई होगी, क्योंकि मैंने कैमरे की लाइट ऑन की थी। पहले जो है लाइट ऑफ थी इसलिए अंधेरा अंधेरा नज़र आ रहा था। इस साथ में मेरी बहनें बैठी हैं, आप देख सकते हैं इन्होंने जो है वाइट ड्रेस पहने थे, बहुत ही प्यारे इनके ड्रेसेस थे वाइट कलर के। तो मैं आजकल जैसे यहाँ पे हूँ तो फिर मैं वीडियो बनाऊँगी दिखाऊँगी आपको। अच्छा फिर हम आइसक्रीम खाने चले गए। आइसक्रीम बहुत मज़े की थी, बहुत ज़बरदस्त थी। मैं ऐसे में वीडियो ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि बच्चे गोद में थे और वीडियो बनाई भी नहीं जा रही थी। मैं उम्मीद करती हूँ व्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखना है और कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी है, आप लोगों ने क्या किया है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।